यहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ए डबल एन आई ए डबल एन यू, राइट, ए डबल एन आई ए डबल एन यू या ई डबल एन आई भी आ सकता है, और अगर ये वर्ड हमें देखने को मिलते हैं तो मतलब किससे जुड़ा हुआ होगा इसका, एयर से, ताल से, वाई ई ए आर, राइट। अब अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा कौन कौन से शब्द हो सकते हैं यहां पे। ओके कमलकांत, जय हिंद, यू आर इन जॉब इन यूपी पुलिस, जय हिंद भाई कमलकांत जी। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द, जब आप पैकेज की बात करते हो तो एक शब्द आता है पर एनम, आया ना, कॉर्पोरेट में पैकेजेस को हम बोलते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, या पर एनम क्या पैकेज है उनका, तो पर एनम ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब ही क्या होता है, फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, फॉर अ ईयर, पर एनम। और अगर हम इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो शब्द क्या है, एडवर्ब के तौर पे आ जाएगा कि भाई एक तरह से फ्रीक्वेंसी की, हर साल उसे कितना मिलता है, पर एनम। ऐसे ही शब्द आता है एनयूटी, एनयूटी क्या मतलब है एनयूटी का, ऐसा करते हैं पहले शब्दों को ही नोट कर लेते हैं, एनयूटी एनयूटेंट, वन वर्ड के लिहाज से भी एन्यूटेंट शब्द अच्छा शब्द है आपके लिए। फिर शब्द आता है एनिवर्सरी, जब किसी की एनिवर्सरी होती है, साल गिरह होता है, तो आप देखो आपको समझ में आ जाएगा कि एनिवर्सरी शब्द कहां से बना हुआ है, वही ए डबल एन आई यहां पे भी आया हुआ है, एनिवर्सरी। अगला शब्द है बाईएनियल, बाईएनियल, अभी ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो लगा हुआ है, ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो है और वहां पे आपने पढ़ा सुना होगा कि ये बाईएनियल इवेंट है, यानी दो साल में एक बार होता है ये, तो बाईएनियल शब्द आ जाता है। फिर हमारे पास शब्द है ट्राईएनियल, बाईएनियल, ट्राईएनियल, क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेनियल। अब आपको 22 समझ में आ रहा है, दो की बात हो गई, ट्राई तीन हो गई, क्वाड्रेनियल चार की बात हो गई, क्विंक्वेनियल, क्विंक्वेनियल, एनुअल, एनुअली, सेक्सेनियल, सेक्सेनियल, उसी पैटर्न पे सेप्टेनियल, सेप्टेनियल, ऑक्टेनियल, ऑक्टेनियल, डेसेनियल, डेसेनियल, सेंटिनियल, सेंटिनियल, अगला शब्द है हमारे पास सेस्क्वी, सेंटेनियल, सेस्क्वी, सेंटिनियल, फिर आ गया शब्द बाईसेंटिनियल, बाईसेंटिनियल, वन वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं,
वैसे ही ट्राई सेंटेनियल, पर इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इन शब्दों के ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स और मतलब डिस्कस कर लेते हैं। और बाई एनुअल को कई बार बाई एनुअल के साथ कंफ्यूज कराते हैं वो, तो आज हम इन दोनों शब्दों का भी डिफरेंस जान लेंगे। ये कंफ्यूजिंग वर्ड में भी पूछा जाता है। चलिए, तो पर एनम शब्द हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका मतलब होता है फॉर ए ईयर, एक साल के लिए। क्या है पैकेज के तौर पे जैसे हम इस्तेमाल करें, पर एनम क्या पैकेज है, या ही अर्न $50,000 पर एनम, तो इसका मतलब क्या कि अर्न जो है वो पर एनम हो गया उसके लिए, एडवर्ब एक साल के लिए। एन्यूटी का क्या मतलब है, एन्यूटी, अब ये शब्द नाउन है, एन्यूटेंट भी नाउन है, राइट, दोनों के दोनों शब्दों का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। जो पेमेंट आपको साल में मिले, राइट, तो एन अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट को एएमटी लिख दे रहा हूं, एन अमाउंट ऑफ मनी पेड एनुअली इज कॉल्ड एन्यूटी। और एन्यूटेंट कौन है, जिसको वो एन्यूटी दी जाती है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, वन टू हूम एन्यूटी इज पेड। एक आदमी जिसे एन्यूटी दी जाती है वो क्या कहा जाएगा, उसे एन्यूटेंट कहा जाएगा। तो ये वन वर्ड में आपको मिल सकता है। एनिवर्सरी आपको पता ही है, एनुअल रिटर्न ऑफ अ डे और इवेंट, तो ये एनिवर्सरी कहते हैं, सालगिरह, साल में जब एक बार आए। अब अगला है बाई एनुअल और बाई एनुअल, कोई मुझे बताएगा क्या फर्क होता है। बाईएनुअल का मतलब होता है अकरिंग वंस इन टू ईयर्स, जब दो साल में कोई चीज एक बार घटित हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बाईएनुअल, बाईएनुअल का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर दो साल में एक बार वो घटना घट रही है। वहीं पे बाईएनुअल का मतलब क्या है कि एक साल में दो बार, यानी छमाही, छह महीने में कोई चीज हो, तो बाई एनुअल जो है ये ट्वाइस अ ईयर है, एक साल में दो बार, जबकि बाई एनुअल अकरिंग वंस इन टू ईयर्स, यानी एक बार घटित हो रही है दो साल के अंदर। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा इवेंट है ऑटो एक्सपो का, जो दो साल में एक बार होता है,
तो वहां पे आप ये शब्द देख रहे हैं बाई एनियल इवन। अब उसी पैटर्न पे आपको समझ में आ गया कि अगर पेपर में आ जाए ये पूछ लें वो कि व्हाट इज द वन वर्ड फॉर समथिंग विच हैपेंस वंस इन थ्री इयर्स, तो भाई क्या हो जाएगा, अकरिंग तो कॉमन है, अकर्स वंस इन थ्री इयर्स, तीन साल में कोई चीज एक बार हो। क्वाड जहां आ जाता है ये चार के लिए, ट्राई तीन के लिए, क्विंस क्वेनियल पांच साल के लिए है, तो क्वाड्रेनियल का क्या मतलब है भाई, वंस इन फोर इयर्स, क्विंक्वेनियल का क्या मतलब है वंस इन फाइव इयर्स, एनुअल ईयरली साल में, एनुअली, तो बस ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है और फर्क नहीं है। सेक्सेनियल क्या है भाई, वंस इन सिक्स इयर्स, वंस इन सिक्स इयर्स इज द सेक्सेनियल, सेप्ट आपको पता है ये आपका प्रीफिक्स है किसके लिए, सात के लिए, तो वंस इन सेवन इयर्स, वंस इन सेवन इयर्स इज कॉल्ड व्हाट, सेप्टेनियल। ऑक्टेनियल वंस इन एट इयर्स, डेसेनियल वंस इन टेन इयर्स, और कौन सा शब्द है सेंटिनियल। अब सेंट शब्द जहां पे भी आता है आपको बताया दैट इज हंड्रेड, तो अगर हम बात करें सेंटिनियल की तो इसका क्या मतलब निकल के आ जाएगा, हाँ जी वंस इन हंड्रेड इयर्स, वंस इन हंड्रेड इयर्स। सेस्क्विसेंटिनियल ये पेपर में आया हुआ है शब्द, सेस्क्विसेंटिनियल, एक तो स्पेलिंग इनकी थोड़ी अजीब सी, तो क्या मतलब है इसका, अकरिंग वंस इन 150 इयर्स, 150 साल में कोई चीज जब एक बार हो तो उसे सेस्क्विसेंटिनियल कहते हैं। और बाई सेंटिनियल, बाई दो आ गया, सेंट 100 है तो जाहिर तौर पर वंस इन 200 इयर्स, और ट्राई सेंटिनियल क्या हो गया भाई, दैट इज वंस इन 300 years, yes, once in 300 years. नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं ये। अभी डाउनलोड करें Careerwill App.